हेलो स्टूडेंट्स, हाईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस का कलर कोड के माध्यम से जो है कैसे हम वैल्यू निकालेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखें तब ताकि जो है आपको कोई भी जो है वैल्यू का जो है मान निकालना रहे, कोई भी रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू निकालना रहे तो उसमें आपको कठिनाई ना हो। और यदि आप चैनल में मेरे चैनल में नए हैं तो आप जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो जो है जो भी हमारा आईटीआई संबंधी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए आज जो हम बता रहे हैं कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कलर कोड। तो सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस का जो है इसका कलर कोड बताने से पहले एक बार जान लीजिए कि रेजिस्टेंस के लिए जो है ये जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। तो सिंबल में तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस जो है, जो कार्बन रेजिस्टेंस होता है, वो कार्बन रेजिस्टेंस जो है हमारा क्या है कि जैसे 1/4 वाट का या 1/2 वाट का या 1 वाट 2 वाट तक का जो है आपका कार्बन रजिस्टर जो है बनता है। तो उस कार्बन रजिस्टर जो है वो बहुत ही छोटा होता है देखने में, और छोटा होने के कारण से क्या होता है कि उस पर में उसका जो है कितना वैल्यू का है, उसका मान कितना है, वो प्रिंटिंग करना जो है संभव नहीं हो पाता है छोटा रहने के कारण से। इसलिए क्या होता है कि उस पर में जो है कलर का बैंड दिया जाता है, अलग अलग कलर का बैंड रहता है और उस कलर का बैंड के हिसाब से जो है हम उसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर मैं बता रहे हैं आपको, ये देखिए ये एक मान लीजिए कि आपका जो है ये रेजिस्टेंस हो गया। इसमें जो है आपका इस प्रकार से जो है 4 बैंड रहेगा, 4 जो है आपका बैंड रहेगा, 3 बैंड जो है समान दूरी पर रहेगा और 1 बैंड जो है थोड़ा जो है अलग रहेगा। तो ये जो है 4, ये जो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये 4 रंग का जो है उसका जो है रिंग रहेगा, रिंग कलर का रिंग रहेगा, कलर का जो है गोल जो है पट्टी रहेगा वो 4 रंग का रहेगा। और उस 4 रंग से जो है हम इसका जो है वैल्यू ज्ञात करेंगे कि यह कितना मान का रेजिस्टेंस है हमारा। तो 4 रंग का जो है कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा कौन सा रंग रहेगा, किसमें रहेगा, तो क्या वैल्यू आएगा, तो इसको निकालने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो है कैसे हम जो है इससे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब ये 3 जो है बैंड है हमारा, ये 3 बैंड, ये तीनों बैंड जो है हमारा आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों बैंड से जो है हम लोग कलर बैंड से जो है हम लोग इसका जो है वैल्यू ज्ञात करते हैं। और ये चौथा कलर बैंड जो है, ये चौथा कलर बैंड जो है हमको टॉलरेंस के लिए रहता है, चौथा जो है हमारा टॉलरेंस के लिए रहता है। क्योंकि जो भी रजिस्टर बनता है, जो भी रजिस्टेंस बनाया जाता है, तो उस रजिस्टेंस का कंपनी जो बनाता है उसमें जो है कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धियाँ रह जाता है, अशुद्धियाँ रहता है हर एक इसमें जो है, चाहे जो भी हमारा मटेरियल है उसमें जानते हैं कि कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पाया जाता है। तो उस अशुद्धि के कारण से क्या होता है कि जो वैल्यू बनाया जाता है वो एग्जैक्ट जो है उस मान का नहीं हो पाता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो जाता है। तो वो डिफरेंस कितना है, कितना उसमें जो है वैल्यू में जो है डिफरेंस हो सकता है, वो जो है आपका ये वही कहलाता है आपका ये टॉलरेंस। तो ये टॉलरेंस जो है ये चौथा रंग हमको बताएगा कि कितना टॉलरेंस है। तो सबसे पहले हमने इसका जो है वैल्यू निकालना हम सीखेंगे, पहले जो इसका कलर कोड के हिसाब से जो है हमारा कितना मान आएगा वो हम सीखेंगे। तो इसके लिए जो है देखिए ये जो आपका पहला और दूसरा 2 बैंड है, वो 2 बैंड से जो है हम लोग डायरेक्ट जो है डिजिट बिठाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये 2 बैंड से जो है हम लोग डायरेक्ट जो है हमारा डिजिट हो जाएगा, चाहे 1, 2, 3, 4
5-6 जो भी है कुछ हमारा 20-30 ये सारा जो है हमारा इससे जो है पहला दो बैंड से जो भी इसका रहेगा कलर के हिसाब से हम लोग देखेंगे अभी आगे बताएंगे कि कौन सा कलर से कैसे होता है। तो उससे जो है दो जो है डायरेक्ट हम लोग वैल्यू बिठा देंगे। और ये तीसरा जो होता है ये तीसरा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है। इससे जो है हम लोग क्या करते हैं जो वैल्यू आएगा इसको उसको जो है हम इससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे और तब जाकर के हम उसका जो है मान लिखेंगे। तो चलिए मान जो हम लोग निकालें वो बाद में देखते हैं, पहले हमको उसके लिए क्या है कलर कोड याद रखना पड़ेगा कि किसका जो है हमारा कलर कोड कितना होता है। तो कलर कोड याद रखने के लिए सबसे पहले देखिए कि किसका कितना कलर कोड होगा। तो इसके लिए आपको हम पहले कलर कोड का जो है चार्ट जो है पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा कलर के लिए जो है कौन सा रंग का जो है कितना वैल्यू होता है वो पहले आपको वैल्यू जानना पड़ेगा। तो देखिए वैल्यू याद रखने के लिए जो है ट्रिक है वो ट्रिक का अप्लाई कीजिए तो आप जो है तुरंत उसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको बता दें कि जो डिजिट है हमारा आपका डिजिट जो है 0 से शुरू होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। आपको 0 से 9 तक टोटल डिजिट है हमारा, 10 डिजिट है। इसी से जो है हमको जो है कोई भी जो है वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000, 2000 जो भी है सब हम इससे जो है लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है हमारा ये 1 to 9 का जो है ये अलग अलग कलर होता है। तो कौन सा कलर जो है रहेगा तो उससे जो है कितना वैल्यू आएगा तो वो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे। तो देखिए जो आपका यहाँ पर में 0 है तो 0 जो है हमारा क्या होता है ब्लैक, जो ब्लैक कलर है काला कलर है उसके लिए 0 होता है। दूसरा है आपका ब्राउन भूरा, दूसरा है आपका भूरा, तीसरा है आपका रेड लाल, सॉरी दूसरा हो गया आपका रेड लाल, तीसरा हो जाता है आपका नारंगी ऑरेंज, तीसरा हो गया आपका ऑरेंज और चौथा जो है पीला, चौथा जो है पीला येल्लो, पांचवा जो है हरा ग्रीन, पांचवा जो है ग्रीन और छठा जो है नीला, नीला होता है नीला का जो है क्या हम ब्लू लिखते हैं, नीला का जो है ब्लू लिख रहे हैं और सातवा जो है वायलेट बैगनी और आठवां जो है ग्रे और नौवां जो है आपका वाइट। तो ये जो है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रीन वायलेट ग्रे और वाइट ये जो है 9 कलर जो है हमारे पास 10 कलर है। इस 10 कलर से जो है हम सारे डिजिट का जो है वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो देखिए आपको ये इसको जो है ये तो अंग्रेजी में आपका हो गया अलग अलग कलर, हिंदी में जो है देखिए क्या होता है ब्लैक, ब्लैक का क्या होता है काला, काला का जो है हम पहला ले लेते हैं का, ब्राउन का मतलब होता है भूरा और रेड का होता है लाल, ऑरेंज का होता है जैसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग नारंगी, येलो का हिंदी में बोलते हैं हम लोग पीला, ग्रीन का हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरा और ब्लू का सॉरी ब्लू, हाँ ठीक है ब्लू, ब्लू का जो है हम लोग नीला और वायलेट का बैगनी और ग्रे का जो है हम लोग बोलते हैं सुरभि,
सुरभि मटमैला कलर, और वाइट का जो है हम लोग सादा बोल सकते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है क्या, इसको जो है क्या कर दीजिए आप एक साथ लिख दीजिए, इसको क्या कीजिए एक साथ लिखिए, का भूलाना, का भूलाना, उसके बाद पिहनी और बाय सु सा, ये जो है आप जो है तीन भाग में इसको बांट दीजिए, का भुलाना पिहनी बैसूसा, का भुलाना पिहनी बैसूसा, इसको जो है आप इस ढंग से जो है हिंदी में सबका जो है हर एक कलर का जो है पहला जो है हम लोग स्टार्टिंग में लिख करके, और याद रखने के लिए सबसे अच्छा रहेगा आपका का भुलाना पिहनी बैसूसा। तो का से हो गया काला, भू से भूरा, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, बै से बैगनी, सु से सुरभि, सा से सादा, का भुलाना पिहनी बैसूसा, यह याद रखिए। और इससे जो है आपका हर एक कलर का जो है डिजिट याद रहेगा आपका 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक के। ये तो आपको हिंदी में याद रखने के लिए हो गया, अगर आप अंग्रेजी में याद रखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में याद रखिए, अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास ट्रिक है। देखिए अंग्रेजी में याद रखने के लिए शॉर्ट में याद रखिए, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखिए आपको अगर अंग्रेजी में याद रखना है तो आप याद रखिए अंग्रेजी में बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बी से जो हो गया आपका ब्लैक हो गया, बी से ब्राउन हो गया, आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, वाई से येल्लो हो गया, और जी से ग्रीन हो गया, और बी से जो है ब्लू हो गया, और वी से वायलेट हो गया, और जी से जो है ग्रे हो गया, और डब्ल्यू से वाइट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप अगर अंग्रेजी में याद रखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में याद रखिए बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और आप अगर हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो का भुलाना पिहनी बैसूसा। तो यह जो है आपका इतना अगर याद रहता है तो आप आसानी से जो है तुरंत जो है आप निकाल सकते हैं कि कौन सा जो है कलर से जो है आपका क्या वैल्यू होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि देखिए जैसे ये तो आप याद रह जाएगा इससे कि हाँ कौन सा जो है कलर से जो है कौन सा जो है आपका वैल्यू होगा, कौन सा डिजिट होगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, जैसे देखिए अब मान लीजिए कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का जो है जो तीन बैंड है, हाँ एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है आपको कि जब कलर कोड आपको निकालना है तो रेजिस्टेंस हाथ में पकड़िएगा तो लेफ्ट साइड से आपको ये जो पकड़ना है जिधर से तीन बराबर जो है दूरी पर में बैंड रहेगा वो जो है आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और लेफ्ट से पढ़ना शुरू करना है। पहला बैंड जो है आपको लेफ्ट से शुरू होगा, तो जो तीनों बैंड बराबर दूरी पर में होगा एक साइड से वह जो है हमारा लेफ्ट होगा, और जो एक अलग होगा थोड़ा दूरी पर में होगा वो हमारा राइट साइड में होगा। तो ये तो जो है चार कलर। अब मान लीजिए आपका की है यहाँ पर में आपका रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, ठीक है, यह जो है तीनों। अब ये तीन से तो आपको बताए कि वैल्यू निकालते हैं, और चौथा जो है आपका टॉलरेंस के लिए होता है। टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस के लिए आपका देखिए गोल्डन सिल्वर और नो कलर, यानी कि अगर मान लीजिए चौथा में कोई कलर नहीं है, एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि तीन कलर रहे, और अगर चौथा कलर में गोल्डन है इसका मतलब हो गया कि प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस, सिल्वर है प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस,
और यदि कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 20% का टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब ये समझ लीजिए, अब 100 ओम का मान लीजिए कलर कोड का जो है के हिसाब से या कोई भी वैल्यू है हमारे पास में 100 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 100 ओम का रेजिस्टेंस में अगर इसमें दिया हुआ है कि प्लस माइनस 5%, इसका मतलब यह हो गया कि यह 100 ओम का कंपनी तो दे रहा है, बोल रहा है कि 100 ओम का वैल्यू का है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि प्लस माइनस 5% उसका वैल्यू में जो है टॉलरेंस हो सकता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि यह 95 ओम से लेकर के और 105 ओम तक इसका वैल्यू हो सकता है। 5% टॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि यह 95 ओम से 105 ओम के बीच में इसका मान हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी ही बना करके दे रही है तो उसमें जो है टॉलरेंस बता रही है कि 5% का टॉलरेंस है। अगर मान लीजिए 10% का टॉलरेंस है तो इसका मतलब आपको समझना है कि यह 90 से लेकर के और 110 के बीच में इसका वैल्यू होगा, 90 से लेकर के 110 के बीच में। अगर कोई कलर नहीं है चौथा बैंड में तो इसका मतलब हो गया कि आपको 20% का टॉलरेंस है, तो 20% का टॉलरेंस का मतलब हो गया कि 80 ओम से लेकर के और 120 ओम के, कंपनी बोल रहा है कि 100 ओम का है लेकिन वह 80 ओम से 120 ओम के बीच का भी हो सकता है, उसका वैल्यू जो है कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कंपनी बनाया है वो बनाने में थोड़ा जो है वैल्यू में जो है डिफरेंसेस हो सकता है। तो ये ऑलरेडी कंपनी जो है जो भी कंपनी का मार्केट में मिल रहा है वो उसका वैल्यू से ही पता चल रहा है हमारा कि हाँ इसमें जो है टॉलरेंस है। तो जो अगर मान लीजिए सबसे कम टॉलरेंस का है तो वह जो है सबसे अच्छा क्वालिटी का रेजिस्टेंस माना जाएगा, अच्छा उस कंपनी का माना जाएगा क्योंकि उसमें जो है टॉलरेंस बहुत कम है। क्योंकि हम लोग जो भी यूज करेंगे, अगर मान लीजिए हमको 100 ओम का यूज करना है, रहेगा वहाँ पर 80 ओम का, तो हमको डिफरेंसेस आ सकता है, यूज करने में हमको दिक्कत हो सकता है। तो वैसे कंडीशन के लिए क्या है कि हम यूज करेंगे सबसे कम वैल्यू का, कम मान का, कम मान का मतलब नहीं कम टॉलरेंस का, कम टॉलरेंस होना चाहिए। तो जो अच्छा कंपनी का बनाएगा वो जो है टॉलरेंस बहुत ही कम रहता है। इससे भी कम टॉलरेंस का अगर आपको जो है प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, इस तरह का भी जो है टॉलरेंस जो है आपको मिलेगा, तो इसके लिए फिर आपको जो है अलग अलग कम परसेंटेज के लिए फिर जो कलर आपका यूज करते हैं, चाहे दो के लिए रेड है तो आपका जो है यहाँ पर में रेड कलर रहेगा, रेड कलर रहेगा चौथा में, तो इसका मतलब समझना है कि प्लस माइनस 2% का टॉलरेंस है। तो जितना कम टॉलरेंस रहेगा उतना अच्छा जो है परफेक्ट वैल्यू का जो है वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो ये तो आपको जो है टॉलरेंस के बारे में हो गया। अब आपको देखिए, जैसे हम बताए कि ये तीन से जो है हम इसका जो है मान निकालते हैं, तीन से जो है मान निकालते हैं, जिसमें से दो कलर जो है, फर्स्ट दो कलर का क्या करना है हमको डायरेक्ट वैल्यू बिठा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं हम बताए क्या कि ये रेड कलर है और ये भी रेड कलर है, तो रेड का वैल्यू क्या होता है, रेड का जो है लाल कलर का जो वैल्यू क्या होता है, दो होता है, तो हम क्या करेंगे सीधा दो हम लिख दिए, और दूसरा भी कलर हमारा रेड है तो दूसरा का भी हमको डायरेक्ट इस पर में बिठा देना है, दूसरा का भी वैल्यू जो है हम डायरेक्ट बिठा देंगे। तो ये दो डिजिट मेरा तैयार हो गया, पहला दूसरा से जो है हमको डायरेक्ट जो कलर रहेगा वो हम जो है बिठा देंगे, और तीसरा जो है ये होता है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर तीसरा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसको जो है हम 10 to the power में लेते हैं इसका जो है पावर में, और क्या तो रेड का क्या वैल्यू है दो वैल्यू है, इसका मतलब इसको पावर पर में हम लेंगे दो, तो 10 का स्क्वायर इसका मतलब हो गया 22 × 100, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, दैट मीन्स हो गया क्या आपका 2200 ओम। यानी कि अगर आपका तीनों कलर जो है रेड 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 है तो यह इसका मान हो गया 2200 ओम। हाँ, अगर इसमें जो है आपका गोल्डन कलर दिया हुआ है चौथा में तो 2200 ओम प्लस माइनस आपका 5%, क्योंकि गोल्डन के लिए जो है 5% है, तो यह जो है इसका आपका वैल्यू निकल गया। तो आपका एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई चार कलर दिया हुआ रहेगा, रेड 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 और गोल्डन कलर है, इसका जो है आपका रेजिस्टेंस का जो है मान बताएं क्या मान होगा। या ऐसा भी होता है कि मान जैसे दिया हुआ है, सपोज दैट यही देख लीजिए 100 ओम दिया हुआ है, 100 ओम का लिख दिया, 100 ओम प्लस माइनस 5%
ये एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो है चारों कलर जो है कौन कौन सा कलर होगा, इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन आता है। तो आप जो है इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अभी हम जैसे 10 का निकालना है आपको, ये सॉरी 100 ओम का, तो 100 ओम के लिए 1 के लिए क्या होगा आपको, 1 के लिए आपको देखिए यहाँ पर बताए हैं 1 के लिए ब्राउन होता है, तो पहला कलर क्या हो जाएगा, पहला कलर हो गया ब्राउन। और 0 के लिए दूसरा कलर क्या होगा, 0 के लिए आपका ब्लैक होगा, तो ब्राउन ब्लैक दिए, दैट मीन्स 1 और 0 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है हमको, 10 को यहाँ पर में 100 ओम है, तो 100 ओम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को हम जो है 10 से गुना करेंगे तो 100 ओम हो जाएगा, 10 को 10 से, तो 10 लाने के लिए क्या करेंगे हमको, तीसरा में क्या जानते हैं कि 10 के पावर में होता है, तीसरा कलर जो भी देते हैं वो 10 का पावर में होता है। तो पावर में क्या है, अगर मान लीजिए हमारा इसको हमको 10 ही लाना है, तो 10 के पावर में अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 10। तो 10 के पावर में 1 कैसे आएगा, 10 के पावर में अगर 1 देते हैं तो 1 का कलर कौन सा रहेगा, देखिए 10 के 1 के लिए आपको क्या दिया हुआ है, ब्राउन। तो अगर हम यहाँ पर में ब्राउन देते हैं, इसका मतलब हो गया कि 10 पर पावर 1 का मतलब हो गया 10। तो ये जो है आपका 10 × 10 बराबर जो है ये हो गया 100 ओम। और प्लस माइनस आपका दिया हुआ है क्या, 5% के लिए यहाँ चौथा कलर क्या हो जाएगा, गोल्डन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उसका हम कलर कोड निकाल लेते हैं, और यदि अगर कलर कोड दिया हुआ है तो उसका जो है हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है बस एक यही मेन चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए जो आपको बताए, हिंदी में भी याद रखिए और अंग्रेजी में भी याद रखिए। हिंदी में याद रखना है तो का भुलाना पीनी बैसूसा, और अंग्रेजी में याद रखना है तो बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आप जो है अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं, जो आपको सुविधा रहे जो अच्छा लगे वो याद रखिए। और आप जो है तुरंत जो है आप कोई भी डिजिट का जो है किसी का भी जो है कलर का जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, या कोई डिजिट दिया हुआ है तो उसका जो है आप कलर निकाल सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए अब हम आपको बता रहे हैं कि हमको 10 ओम, सपोज दैट हमारे पास में जो है कोई 10 ओम का वैल्यू का, मान लीजिए कि 10 ओम प्लस माइनस 10%, ये जो है इसका जो है हमको कलर कोड निकालना है, तो क्या होगा। अब देखिए कहिएगा सर दो, इसमें तो दो ही अंक का है, फिर हम कैसे निकालेंगे। तो एक के लिए तो आपको जो है एक के लिए क्या होता है ब्राउन, और जीरो के लिए क्या होगा ब्लैक। ब्राउन ब्लैक से तो 10 हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई फैक्टर अब क्या देंगे, तीसरा कलर तो होगा ही, तीन कलर तो रहेगा ही, क्योंकि यह 4 बैंड सिस्टम में हम बता रहे हैं, अभी 4 बैंड वाला बता रहे हैं, तो 4 बैंड में हमारा 3 बैंड तो हमारा कलर के लिए रहेगा ही, और चौथा टॉलरेंस के लिए रहेगा। तो टॉलरेंस के लिए ठीक है, हम मान लीजिए कि इसमें सिल्वर रहेगा क्योंकि प्लस माइनस 10% है, तो हमारा ये जो है सिल्वर हो गया चौथा कलर। लेकिन तीसरा कलर क्या होगा, तो 10 को जो है हम क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा वो 10 ही रह जाएगा। तो 10 को हम जानते हैं कि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए, यदि आप क्या करते हैं 1 किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू जो है हमारा 1 होता है। अगर 10^0 दैट मीन्स 1, तो 0 के लिए हमारा कौन सा कलर है, 0 के लिए हमारा यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर है, काला कलर है। तो अगर हम तीसरा कलर भी यहाँ पर में हम ब्लैक दे देते हैं तो ये या इसका वैल्यू जो निकल जाएगा हमारा 10 ओम हो जाएगा। अब देखिए ब्राउन से 1 ब्लैक से 0, और ये हो गया, ये ब्लैक का मतलब हो गया 10^0, तो 10^0 का मतलब हो गया 1, तो 10 × 1 = 10 ओम ये जो है हमारा निकल गया। तो आप जो है आसानी से जो है अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो जो है आपका ओम में हो गया। अगर इसी में जैसे ज़्यादा ओम का रहेगा आपको, तो मेगा ओम में, जैसे किलो ओम में, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा,
जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है, अभी तुरंत एक हम बताए थे 2200 ओम, 2200 ओम को एक चीज़ जान लीजिए, इसको हम जो है 2.2 किलो ओम भी लिख सकते हैं, 2.2 किलो ओम, ये दोनों एक ही चीज़ है, 2200 ओम लिखिए चाहे 2.2 किलो ओम लिखिए, क्योंकि आपका 1K बराबर होता है 1000, अगर 1 किलो ओम है इसका मतलब हो गया 1000 ओम, आपका जो है अगर 1 मेगा ओम है, 1 मेगा ओम इसका मतलब कितना जीरो, 1 एक पर जो है आपका कितना जीरो, 6 जीरो, मेगा का मतलब 1/6 जीरो, 10^6, मेगा मतलब 10^6, किलो मतलब 10^3, तो आपको जो है हो सकता है, इसको देखिए इसको एक और तरीके से लिखते हैं, 2.2 किलो ओम को 2K2 ओम भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये तीनों एक ही चीज़ हो गया, 2200 ओम, 2.2 किलो ओम या 2K2 ओम, ये तीनों हमारा जो है एक ही चीज़ है, तो आप तीनों को का जो है जब वैल्यू निकालना रहेगा तो लिखने का केवल तरीका अलग है, वैल्यू वही रहेगा हमारा, तो जैसे ही अगर 2K2 दे दिया तब भी हम इसको जो है इसको क्या करेंगे, 2K2 को K जो है पॉइंट बीच में दे दिया, इसका मतलब पॉइंट हो गया, इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.2 किलो ओम, आ 2.2 लिख दिए, इसको जब किलो के हटाएंगे हम तो क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2200 ओम हो जाएगा, अब 2200 ओम हो गया तो आराम से हमारा कलर निकल जाएगा, दो पहला दो के लिए रेड, दूसरा दो के लिए रेड, और तीसरा जो है 2 जीरो है यानी कि 100 मतलब 10 पावर पर में कितना हो जाएगा 2×10^2, तो 2 के लिए भी फिर रेड, तो ये जो है हम इस प्रकार से जो है हम निकाल लिए।